Hello, welcome to video.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called variance and coefficient of variation. तो जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अगर आपका डेटा गिवन है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। बट इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में डेटा गिवन है ना, वहाँ पे आपको सारी चीजें पहले से गिवन रहेगी और यहाँ पे आपको सीरीज के फॉर्म में डेटा गिवन है, तो उस केस में हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालना है, कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है या मोर स्टेबल है या मोर इक्विटेबल है वो हमें चेक करना है। तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से करेंगे। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, यहां पे दो टीम दी है, टीम ए और टीम बी, और हमें चेक क्या करना है, कौन सी टीम ए और बी ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस में, ये चेक करना है ना। तो हमें कंपेयर करना है टीम ए और टीम बी का परफॉर्मेंस, ठीक, और कौन सी टीम कंसिस्टेंट है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इन अ मैच ये आपको देख रखा है कि टीम ने 0 गोल स्कोर किए और उस टीम ने कितने मैच खेले। तो टीम ए ने जिस मैच में 0 गोल स्कोर किए टोटल 20 सब मैचेस खेले, फिर जिस मैच में 1 गोल स्कोर किया ऐसे टीम ने कितने मैच खेले, 9 मैच खेले। इसे आपको डेटा दिया है टीम ए और टीम बी का। अब आपको चेक करना है कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दोनों टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। अब यहां पे जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा है उसको फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से, जिसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। और मीन का जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का वो लिख रहा हूं मैं, एक्स बाय इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, जो डी रहेगा डी का मतलब क्या होगा, डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए का मतलब रहेगा यहां पे अज्यूम्ड मीन। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी, ठीक है। तो पहले हम बात किसी करेंगे, यहां पे टीम ए की बात करेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूं फॉर टीम ए, फॉर टीम ए, हम टीम ए के लिए निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो टीम ए के लिए निकालेंगे, तो जो नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड है उसको मैंने क्या मान लिया, वेरिएबल एक्स मान लिया, ठीक है। और टीम ए ने जितने मैच खेले उसको मैंने क्या मान लिया, फ्रीक्वेंसी मान ली, ठीक है। तो नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड कितने यहां पे, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक। और उसके बाद आपको यहां पे क्या देख रखा है, फ्रीक्वेंसी देख रखी है, दैट इज कितनी थी यहां पे, 27, 9, 8, 5 और 4 देख रखे, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए डी कितना होगा, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। अब हम अज्यूमिंग क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स सीरीज में देखिए सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 आ रही है, तो हम अज्यूमिंग मान सकते हैं 2 या 3। तो हमने क्या मान लिया, अज्यूमिंग 2 मान लिया, 2 एग्जैक्ट मिडिल में आ रहा है। तो अज्यूमिंग कितना मान लिया आपने, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ये ध्यान रखना है आपको कि जो अज्यूम्ड मीन है ए वो हमने कितना अज्यूम करा, 2 अज्यूम करा है ना, मिडिल में जो वैल्यू है उसको अज्यूम करना मीन। अब एक्स माइनस 2 निकालेंगे, देखिए 0 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2, 1 माइनस 2 ये होगा माइनस 1, 2 माइनस 2 ये होगा 0, 3 माइनस 2 ये होगा 1 और 4 माइनस 2 ये कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे डी स्क्वायर, उसके बाद देखिए क्या फाइंड करना है, एफ इंटू डी और एफ इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे अपन, एफ इंटू डी, और इसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे अपन, एफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं हम डी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ इंटू डी करना है, अब एफ इंटू डी करना है हमें, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है और टी वाला कॉलम है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 27 इंटू माइनस 2 किया तो ये हो जाएगा माइनस का 54, 9 इंटू माइनस 1 किया तो माइनस का 9, 8 इंटू 0 किया तो 0, 5 इंटू 1 किया तो 5, 4 इंटू 2 किया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ इंटू डी स्क्वायर निकालना है तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम और डी स्क्वायर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 27 इंटू 4 किया तो ये हो जाएगा 108, 9 into 1 किया ये हो जाएगा 9, 8 into 0 किया ये 0, 5 into 1, 5 और 4 into 4 किया तो कितना रहेगा ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का टोटल निकालना है, तो हम टोटल देखते क्या आता है, जो सबमिशन एफ डी है और जो सबमिशन एफ डी स्क्वायर है इनके हम टोटल देखते कितना आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8, 5, 13 और माइनस 9 दैट इज 4 और ये जाएगा सबमिशन एफ डी माइनस का 50। चेक कर लेते हैं, जो सबमिशन एफ डी आ रहा है
वो आएगा आपका माइनस का 50 जो सही आ रहा है। फिर एफडी सूत्र की बात करें तो 108 और 9 को जोड़ा तो 117, 117 और 5 122, 122 और 16 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 138। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते सही आ रहा है। तो सबमिशन एफडी सूत्र कितना है यहां पे 138 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है किसके लिए, ए के लिए। तो हम जो फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे यहां क्या लिख देंगे बेस में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए, ये हो जाएगा सिग्मा ए, ये हो जाएगा एक्स बार ए। तो जो सिग्मा ए रहेगा उसका फार्मूला आ जाएगा यहां, सॉरी एक्स बार ए का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला वैल्यू रखते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। तो सिग्मा ए फाइंड करने के लिए यहां देखते हैं सिग्मा ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सबमिशन एफ डी स्क्वायर, देखिए कितना है 138 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। सबमिशन एफ कितना है, हमने एफ का टोटल निकाला नहीं है, फाइंड आउट कर लेते हैं। सबमिशन एफ देखते हैं तो 27 9 36 36 और 8 44 44 और 5 49 और 4 53। तो सबमिशन एफ कितना है 53 आ रहा है, तो डिवाइड किससे करेंगे इसको 53 से, माइनस सबमिशन एफ डी देंगे तो ये आ रहा है माइनस का 50 और सबमिशन एफ कितना रहा है 53 और इसको क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम वैल्यूज को, तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। तो इसमें हम देखते हैं 138 को जब डिवाइड करेंगे किससे 53 से तो ये आएगा आपका 2.60। तो सिग्मा ए इक्वल्स टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2.60 माइनस, जब हम करेंगे 50 को डिवाइड 50 डिवाइड बाय 53 तो आएगा 0.94 और अंदर रहेगा माइनस का 0.94 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं कितनी आएगी 2.60 माइनस, अब क्या करना है आपको यहाँ पे 0.94 × 0.94 उसका स्क्वायर करना है, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा ये 0.8836। ठीक है, अब क्या करना है आपको ये वैल्यू को माइनस किस करना है 2.6 में से, तो 2.6 माइनस 0.8836 करा तो सिग्मा ए यह आएगा अंडर रूट ऑफ 1.7164। तो सिग्मा ए की जो वैल्यू आ रही है वो रूट निकालना है किसका हमें 1.7764 का, तो देखते कितना आता है अंडर रूट ऑफ 1.7164 दैट इज ये आएगा सिग्मा ए 1.31। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी सिग्मा ए की आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए सिंपल सा कांसेप्ट है इसमें। मीन का फॉर्मूला क्या हो रहा था यहाँ पे x बार a इक्वल्स टू a प्लस सबमिशन एफ डी डिवाइडेड बाय सबमिशन f। ये ध्यान रखने शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने की, तो मैं जो अर्थमेटिक मीन वाला वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वीडियो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो x बार a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a, तो अज्यूमिंग कितना था अपना 2 आ रहा था, तो रहेगा 2 प्लस सबमिशन एफ डी कितना था माइनस का 50 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ कितना था 53। तो हम देखें x बार a की वैल्यू कैसी आ रही है यहाँ पे, तो x बार a इक्वल्स टू 2 इसकी मैं वैल्यू डायरेक्ट ले रहा हूँ 50 को 53 से डिवाइड किया तो कितना था माइनस का 0.94, तो ये कितना आ जाएगा 2 − 0.94। अब जब 2 में से हम माइनस करेंगे 0.94 तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 1.06। तो x बार a कितना आएगा यहाँ पे 1.06, तो ये x बार a आ गया और ये सिग्मा a आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो देखिए जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला रहेगा a के लिए वो क्या था फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर a इक्वल्स टू होगा सिग्मा a अपॉन x बार a * 100। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर a, तो सिग्मा a कितना आया था अपना 1.31, x बार a कितना आया 1.06 * 100, तो 1.31 * 100 क्या कितना आ गया 131 डिवाइडेड बाय 1.06। तो 131 को जब डिवाइड करेंगे 1.06 से तो ये आएगा 123.6% में। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए आ गया a के लिए आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक, अब ऐसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे टीम b के लिए। ठीक, तो टीम b की अगर हम बात करें तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो उसको देखें चेंजेस क्या होगा। देखिए सारी वैल्यू तो निकलेगी हमारी, तो हम बस चेंजेस का होगा एक तो जो टीम
बी की फ्रीक्वेंसी वो चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। डिविएशन सेम रहेगा क्योंकि एक्स अपना सेम ही रहेगा दोनों के लिए, डी सी भी सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा यहाँ पे एफ इंटू डी चेंज हो जाएगा और एफ इंटू डी स्क्वायर। तो देखिए अब हम टीम बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टीम ए की जगह लिखना है, यहाँ पे टीम बी की बात करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी टीम, ये लिखना है आपको टीम बी की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ लिख रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 17, 9, 6, 5 और 3, ठीक है। डिविएशन सेम रहेगा तो वैल्यू सेम ही आएगी और ये जो डिविएशन का स्क्वायर है ये भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एफ इंटू डी करना है। तो देखिए f into d मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 के करस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई, तो 17 into minus 2 करा है, that is कितना रहेगा minus का 34, 9 into minus 1 क्या that is minus 9, 6 into 0 क्या that is 0, 5 into 1 क्या that is 5, 3 into 2 क्या that is 6 हो जाएगा, ठीक। फिर वैसे अगर हम बात करें f into d square, तो 17 into 4 करा, तो 17 4 जा that is कितना होगा 68, फिर 9 into 1 क्या that is 9, 6 into 0 क्या that is 0, 5 into 1 क्या that is 5, 3 into 4 क्या दैट इज 12 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हम देखें सबमिशन एफडी की वैल्यू कितनी आती है, तो देखिए 6 और 5 11, 11 minus 9 दैट इज प्लस 2 और प्लस 2 और माइनस 34 तो ये जाएगा माइनस का 32, ठीक है। ऐसे अगर आप एफडी इसको जोड़े तो देखते हैं यहां पे 68 और 12 जोड़ा दैट इज हो जाएगा 80, 80 और 5 85, 85 और 9 दैट इज ये हो जाएगा 94। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो सबमिशन एफडी आएगा आपका माइनस 32, सबमिशन एफडी स्क्वायर आएगा 94, ठीक है, ये सही है। अब हमें क्या करना है यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना बी के लिए, तो फार्मूला भी क्या चेंज हो जाएगा यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी कितना होगा यहां पे सिग्मा बी डिवाइडेड बाय एक्स बार बी इनटू में 100, ये होगा फार्मूला। तो उसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा बी, जिसका फार्मूला क्या होगा शॉर्टकट मेथड में submission of fd square divided by submission f minus submission fd divided by submission f का whole square, ठीक है। आप इसको submission f भी लिख सकते हो या इसको किसी किसी रूप में capital N के नाम से भी denote किया जाता है, वो भी लिख सकते हो। तो submission हम जोड़ लेते कितना रहा है 17 9 26 26 और 32 32 और 5 37 37 और 3 कितना आ जाएगा यहां पे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए submission fd स्क्वायर कितना है 94, तो सिग्मा भी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 94 डिवाइडेड बाय 40, सबमिशन में 40 आ रहा है, फिर माइनस सबमिशन एफडी देखें तो सबमिशन एफडी कितना रहा माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 40 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। तो जब 94 को हम डिवाइड कर रहे हैं इससे 94 को डिवाइड करेंगे 40 से तो ये आएगा 2.35, तो यहां पे कितना आएगा सिग्मा बी 2.35 माइनस 32 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 32 डिवाइड होने 40 से तो ये आएगा माइनस का 0.8 आ जाएगा, माइनस का 0.8 और इसका आपको स्क्वायर करना है। देखिए क्या आया है यहां पे सिग्मा बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2.35 माइनस 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.64, तो 0.64 और 2.35 में से जब हम 0.64 को माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.71 और इसका रूट निकालोगे 1.71 का तो दैट इज ये आएगा आपका रूट ऑफ 1.71 1.308 तो रूट आएगा अपना सिग्मा बी का 1.308। तो ये क्या आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका बी का, ठीक। अब हमें क्या निकालना है मीन निकालना बी सीरीज का, तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जो बी सीरीज का मीन है उसका हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला रहेगा एक्स बार बी इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ, तो एक्स बार बी कितना है देखिए ए कितना है यहाँ पे अज्यूमिंग 2 है तो जाएगा 2 प्लस सबमिशन एफ डी कितना है सबमिशन एफ डी माइनस 32 है और डिवाइड किससे करना है इसको सबमिशन एफ दैट इज 40 से, तो ये 32 डिवाइड बाय 40 हम पहले कर चुके हैं कितना आएगा माइनस का 0.8 आएगा, तो x बार b अगर हम निकाल लें कितना होगा 2 और ये जाएगा माइनस का 0.8, तो 2 में से अगर मैं माइनस करूं का 0.8 तो ये जाएगा 1.92, तो x बार b कितना आ गया 1.92 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है किसके लिए b सीरीज के लिए, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करें तो क्या आएगा देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन b सीरीज के लिए फार्मूला लिखा हुआ है
तो सिग्मा बी जो कितना आया था 1.308 ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय एक्स बार बी जो कितना आया 1.92 इनटू में क्या करा अपन ने 100 करा ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है बी के लिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.308 डिवाइड बाय 1.2 इनटू में करा अपन ने 100 1.92 सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है जो मीन आएगा जब 2 में से हम 0.8 माइनस करेंगे मैंने 0.08 माइनस किया है तो 2 में से हम 0.8 माइनस करेंगे तो इसका मीन आएगा 1.2 आएगा ठीक है। यहां थोड़ा चेंज करना क्योंकि मैंने इसको 0.08 अज्यूम कर लिया था ये 0.8 है ठीक है 0.8 है मतलब 2 में से 0.8 किया तो 1.2 आएगा तो यहां पे जो मीन आएगा कितना है डिवाइड बाय किससे होगा ये 1.2 से डिवाइड होगा तो 1.308 डिवाइड करेंगे 1.2 से इनटू 100 किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मीन आएगा ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा वो आएगा 109% ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका आ गया बी सीरीज के लिए आ गया ठीक। अब हमें क्या करना है ये देखना है कि कौन सी सीरीज या कौन सी टीम ए और बी ज्यादा कंसिस्टेंट है तो वो सिंपल सा लॉजिक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 को देखें तो ए का जो कोएफिशिएंट 123.6 आ रहा है और बी का जो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 109% आ रहा है। चेक क्या करना है कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट मोर कंसिस्टेंट ठीक है। तो जो टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका कम आ रहा है बी का कम आ रहा है किससे कम आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए से कम आ रहा है इसका मतलब टीम बी क्या रहेगी टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट ठीक है परफॉर्मेंस में टीम बी रहेगी ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगी। अगर आपको यहां पूछते कि कौन सी टीम ज्यादा और कौन सी टीम में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो उस केस में क्या करते हैं हम टीम ए में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए इससे आगे वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।